ये सब कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बात साफ साफ कह रहा हूँ, सब सुन लो। माने परेशान करना बंद कर दो, वरना आप जुबान और लात नहीं चलेगी। चलेगी तो सिर्फ गोलियां चल जाएगी, गोलियां। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना। अरे पूछना हुआ थारे इस हीरो को, ऐसी छोटे पुलिस वाले डेली मरने देवे से। एक बार देख लो उसे। ए, कुछ नहीं होगा उसको, इधर ही खड़ी रहे। सज्जन इलाज कर इसका। यूनानी वेदगिरी का पुराना जानकार है ये। ये टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ देता है। ये देख लेगा तेरे बेटे को, समझी? मैं बर्फ लेके आती हूँ। तू अपने पति के पास ही बैठ। सब लोग जाओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। बालकनी, ये सब क्या है? हाँ कौन है ये लोग? ये बाबा गोरखी हैं और ये सब उनके आदमी हैं। मारे धारी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ त्यागी को मारना है। शब, मैं वहां दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था और तुम लोग क्या मुसीबत? तुम क्यों बुरा मान रहे हो सुयश? इसे पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। ओ सावित्री, थारा ये सत्यवान पति अगर ठीक हो गए से ना, आके यहाँ बैठा दे। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ ही चलते चलते, यूं ही साथ ही चलते चलते। अरे मंगल है, पागल हो क्यों की? हाँ पागल हो गए हो, पेट में अनाज ना से तो पागल होगा कि ना? दिमाग काम करना बंद कर दियो मेरा। गोरखी जी, भूख तो हम सबको भी लग रही है, तो अगर मैडम जी कहें और आप इजाजत दे तो खा सके। ठीक है, मिला को खानो सबने। रोटी बनानी आवे तन्ने? क्या बना रही हो? पूरी भाजी, तुम्हें पसंद है? और क्या पसंद है तुम्हें? मने मने तो दाल बाटी चूरमा पसंद है, मने खट्टे की सब्जी पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद है मने सट्टू का हलवा। जदी भी पिताजी खेत में जल्दी आता था नहीं, तो मने सट्टू को हलवा बनान खिलाते थे। तुम किसान हो? थे, जब हमारे पास जमीन थी तब किसान थे, लेकिन अब क्रांतिकारी है। अपना पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, बस इधर से उधर भागते फिरते। कभी कभी तो हमारे को लगता है कि किसानों वाली जिंदगी हम लोगों से अच्छी है, क्योंकि उनके पीछे पुलिस तो नहीं पड़ती। अरे दादू वो प्याज ना खावे, मतलब
वो ब, 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 बाबा गौर की प्याज लहसुन नहीं खाते। कोई बात नहीं, उनके लिए बगैर प्याज के सब्जी बना दूंगी। तो बाबा गोरखी तुम्हारे दद्दू हैं? तो फिर तुम उन्हें बाबा गोरखी कह के क्यों बुलाते हो? पहले मैं भी उनको दादू ही कहता था, लेकिन अब वही कहते हैं कि क्रांतिकारी का कोई रिश्ता नहीं होता। क्रांतिकारी का एक ही रिश्ता होता है, अपनी माँ से, अपनी जमीन से, और कोई नहीं। और तुम्हारे माँ बाप? माँ तो बचपन से ही नहीं है, और पिताजी को गुजरे तो दो साल हो गए। प्याज की गंध भी इतनी तेज है, एकदम पानी आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बाबा गोरखी ने कहा कि मैं किचन में जीजी माँ की हेल्प कर सकती हूँ। ठीक। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर इन्होंने हमें मार दिया तो। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है बिट्टू, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हर मुसीबत की तरह हम इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। मैडम जी, ए छोरी, तने जहर तो ना डाले है इसमें? मेरे खाने में तो जहर नहीं, लेकिन तुम्हारी जुबान पे जो जहर है उसका क्या करोगे मंगल? खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। डाली दे। और ये खास करके तुम्हारे लिए सत्तू का हलवा। सत्तू का हलवा तो मेरे छुट्टन ने बहुत पसंद है, खा ले। खाना खा रहे ये लोग, कोई इन्हें सिखाओ खाने की तमीज। पुत्रा, इस वक्त ये सब बातें मत सोचो, धैर्य रखो। रंजन काका बोल नहीं सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग भी खाइए ना। याद रखना, अगर किसी को भी पता चला कि अंदर कुछ हो रहा है या कोई अंदर है, लाश से बिछा दूंगा।
करो बॉम्ब की। पापी जी की बात है, आपका सूरज की तरह खिला हुआ चेहरा आज बस्ती फूल की तरह कुमलाया हुआ क्यों है? क्या काम है मंगला? भाभी जी के बात कर रहे हो आप? मैं तो बिना काम के ही रोज यहाँ आवे जावे हूँ। आज क्या काम है मंगला? हाँ आज काम है भाभी जी। भाभी जी हमारी रसोई में ना चीनी खत्म हो गई है और दूधी का हलवा मैं बढ़ा रही थी, पर चीनी मिलेगी क्या? नहीं घर में चीनी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो भाभी जी? कल शाम को ही तो मैंने देखा था पूरा कनस्तर भरा हुआ है चीनी से। अब आपको क्या पता होगा, आप उत्तरा देवी हो। अरे भाभी जी मैं जानू आपकी रसोई में क्या क्या है, मेरी बांस की नजर है। आपके कनस्तर में पूरी चीनी थी, मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ भाभी जी। मंगला मैं चीनी लेके आती हूँ, तुम यही रुको। कटोरी? अच्छा मैं ये रखूँ। अरे भाभी जी आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह मारा ख्याल रखियो। ये शक्कर कहाँ रखी हुई होती है? लगता है मंगला आज फिर मनने नहीं, हम सबको मरवाएगी। तू के टाका जाकी करे? ये आदमी कौन है? अरे तने के करना कौन है? तने के लेना देना? कैसे लेना देना नहीं है? अरे भाभी जी के घर में कोई यार बनने लेना देना नहीं है। देखा नहीं भाभी जी का कितना प्रेम है मुझ पे। भाई साहब कौन हो भैया? मैडम जी को चीनी लाने में तकलीफ हो रही होगी, मैं जाके ले। रुक, रुक। देख तू हिलना नहीं यहाँ से, अगर तू हिलेगी यहाँ से तो जान जाएगी। नहीं नहीं मतलब मारी नौकरी चली जाएगी। नहीं मैडम जी भी आ गए। मैडम जी आइए जल्दी चीनी दीजिए। भाभी जी मैंने तो एक कटोरी चीनी चाहिए थी, आप तो बरनी भर चीनी ले आए। ये तुम्हीं ने तो कहा था ना मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। ओ भाभी जी आप महान हो, दया करुणा की खान हो भाभी जी। लो पकड़ो इस बात पर एक साइकिल ले ले भाभी जी, बरनी के साथ मैं दिखाऊंगी सबको। हो गई कितनी अच्छी सेल्फी आई, मैं सबको दिखाऊंगी। हां भाभी जी आप ले ले और जा। दिखाती
देखा कोई ना है। कोई था। अरे तू घर जाके हनुमान चालीसा पढ़ जा। ना ना जा जा अभी जा। कोई था। चुप जा। मारी बेइज्जती कराती है। जा। अरे जा। अरे जा रही हूँ। ये औरत तो घड़ी पागल लग रही है सर भाई। कौन सी ये? मंगल और मंगला सोना का स्क्रू ढीला। ये क्या बोला रे? चल बैठ। बैठ रहा रज्जन काका तुम्हें चाय के लिए आभार दे रहे। आभार? अरे रज्जन का के है हा? कोई भी इसे खाना पानी दे देवे ना सबको धन्यवाद बोले लागे से। रज्जन चाचा कह रहे हैं कि जो हाथ खाना देते हैं उन्हें आभार तो देना ही चाहिए। अरे भाई तो इन हाथों का केस है रे भाई। हाँ ये भी तो हाथ खेतों में काम करे से, सब्जियां उगाए से, फल उगाए से, मजदूरी करे से दिन रात, और ऊपर से मुसीबत आन पड़े तो खत्म होने का नाम ना लेवे से, सारे पैसे व्यापारी ले जावे से, हम किसानों को तो कुछ मिले ही ना से, और तने इस हाथ को आभार देगा। और किसानों को मिले कैसे? हेंगा मिलेगा मंगल, हमें भी हमारा हक मिलेगा, और अगर नहीं मिला ना तो माँ भवानी की सोगंध छीन के ले लूंगा। मेरा फोन। स्पीकर पे ले। हाँ जीनू चाची। फाल्गुनी तूने उस दिन जो मुझे बात बताई है उसके बाद से मुझे किसी तरह से चैन ही नहीं आ रहा है। तूने इतना बड़ा फैसला लिया अपनी कोख क्यों निकालती? छोड़िए ना चाची, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। आप बताइए कैसे फोन किया आपने? तू ना बात पलटने की कोशिश मत कर। अच्छा मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। तेरी सास कैसी है? किस मिट्टी की बनी हुई है उत्तरा देवी? फिर वही बात, बोला ना चाची अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे ठीक है? तुझे ना मैं बचपन से जानती हूँ। तेरी आवाज से मुझे पता चल जाता है कि तू किसी काम में बिजी है या नहीं, तो ऐसे ना बहाने मत दे मुझे। और देख तेरी मजबूरी हो सकती है पर मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। मैं तो छाती ठोक ठोक के और चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगी कि किस तरह से उत्तरा देवी ने तुझे मजबूर करके ना तेरी कोख। बस कीजिए चाची,